हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रसोई रमन की में। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बासी चावलों से फ्राइड राइस। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की ओर। दोस्तों, फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने एक पैन रख लिया है। इसमें हम 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमने गर्म कर लिया अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें छोटा चम्मच जीरा डाला है। जीरे को हम चटकने देंगे। उसके बाद हमने एक लंबा लंबा काट कर प्याज इसमें डाल दिया है। ये मैंने थोड़े से कड़ी लीव्स डाले हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब मैं इसमें शिमला मिर्च भी डाल देती हूँ। ये मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो हम इसके अंदर डाल देते हैं टमाटर। ये मैंने एक टमाटर लिया है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली है। एक मैंने छोटे छोटे काट ली थी और एक को मैंने लंबा लंबा पीस इस तरह से काट लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक हमने पहले भी चावलों में डाला हुआ है इसलिए मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है। थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा भी डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो जले ना नीचे से। उसको ढककर रख देते हैं 2 मिनट के लिए। ये देखिए, अब कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से और हमारे मसाले भी अच्छे से भुन चुके हैं। टमाटर अगर थोड़े से मोटे हैं तो इसको हम करछी से इस तरह से तोड़ लेंगे। दोस्तों, आप बचे हुए चावलों से क्या करते हैं। मैं तो बचे हुए चावलों से इस तरह से कुछ भी बना लेती हूँ। हम इसमें जो हमारे चावल हैं उसको ऐड कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बचे हुए चावलों से कुरकुरे भी बनाने बताए थे वीडियो में, तो वो आपको बहुत ही अच्छी लगी थी, आपने उसे बहुत ही पसंद किया था। उसके बाद मैंने आपको डोसे की भी वीडियो दी है, बचे हुए चावलों से डोसा कैसे बनाएं। दोस्तों, आप भी बचे हुए चावलों से क्या करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, हमारे फ्राइड राइस बनकर हो गए हैं तैयार। हमने इसे देसी तड़का लगाया, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से बनाइए और खाइए और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। मैं इस बच्चों को टिफिन में भी इसे दे देती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।